कोरोना संक्रमण की घातक दूसरी लहर के बीच में एक और खतरा उभरा है और वो खतरा है ब्लैक फंगस का। तेजी से ये बीमारी धीरे धीरे भारत भर में पैर पसार रही है। करीब 13 राज्य ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में आ चुके हैं। केवल महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर 800 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ पर इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की भी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के चलते हरियाणा के सिरसा में 5 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में आपको याद ही होगा किस तरीके से इस संक्रमण को पहले ही महामारी की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके अलावा यूपी के मेरठ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अचानक से ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के चलते सरकार को इससे बचाव के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट को भी शुरू करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। हम आपको अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस से जुड़े अपडेट्स देते हैं। और आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल में ही ब्लैक फंगस के 48 मामले हैं, तो वहीं 16 अभी भी बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव गॉट 48 पेशेंट्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस एडमिटेड एट सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड 16 पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। A group of eye ENT surgeons are looking after this patient and are being supported by a dedicated microbiologist. Thanks. और आपको बता दें कि म्यूकरमाइकोसिस के चलते उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ के एक जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं। बुधवार को अलीगढ़ में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के 2 मामले सामने आए थे। अभी वर्तमान में जो ब्लैक फंगस की इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी मरीज रेफर होके चले गए हैं। जो यही मरीज का है, जो मरीज यही है, उनके लिए LLRM मेडिकल कॉलेज में एक अलग वार्ड का भी व्यवस्था किए हैं। उसका जो मेन एंटी फंगल इंजेक्शन है वो हमें पहले से कुछ थी हमारे पास और फर्दर सप्लाईज के लिए हमारी गाड़ी आज लखनऊ पहुँच रही है, वो दवा भी मिल जाएगी। बात करें महाराष्ट्र की तो इस राज्य में अकेले ब्लैक फंगस के करीब करीब 800 से 850 तक मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके इलाज के लिए जो दवा का इस्तेमाल होता है उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी आपूर्ति अभी फिलहाल काफ़ी कम है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार का कंट्रोल होने के चलते ड्रग मैन्युफैक्चरर्स दवा की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने इस ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के लिए ग्लोबल टेंडर भी गाला है और केंद्र से भी जरूरी इंजेक्शन भेजने की अपील की है। स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट का कार्य जो उनके ऊपर है वो तेजी से करना जरूरी है, जल्दी करना बहुत जरूरी है। उसको उसके ऊपर गौर करके, क्योंकि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है एम्फोटेरिसिन बी का, यहां भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं लोकल में, लेकिन ये ऑर्डर्स दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होएगा वही हमारे को मिल सकेगा। नहीं तो हमने ऑर्डर दिया भी है, हमने तो 2 लाख वाइल्स की ऑर्डर दी है, लेकिन हमारे को मिला है अभी तक 15,000-16,000 वाइल्स। तो जो भी मिले हैं हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल जो संख्या है उसके मुताबिक हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये तो रही पूरे राज्य भर की बात। अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात की जाए तो पिछले 3 महीनों में 19 मरीजों की जान ब्लैक फंगस ने ली है यहाँ पर, और यही सभी मौतें सरकारी और सिविक बॉडी अस्पतालों में हुई है। साथ ही मौजूदा समय में 60 मरीजों का मुंबई के अस्पतालों में फिलहाल इलाज चल रहा है जो कि ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं। मुंबई में एंटीवायरल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की मांग बढ़ने से इसकी किल्लत भी देखने को मिल रही है। मुंबई सिविक बॉडी के मुताबिक एंटीवायरल ड्रग की कमी को पूरा करने के लिए टेंडर भी जारी किया जा रहा है। दिशा शाह हमारे साथ जुड़ी हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर। दिशा, हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र भर में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेस देखने को मिल रहे हैं अगर पूरे देश की बात की जाए तो। अब मुंबई से ये जो स्थिति सामने आई है वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पर मौतों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी बात दवाइयों की किल्लत जो है सो है ही। गौरी, अगर हम पर्टिकुलरली ब्लैक फंगस के बारे में बात करें तो पिछले 3 महीने में जब से सेकेंड वेव जो शुरू हुआ फरवरी में कोविड का, तो
तीन महीने में एटलीस्ट 19 रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस के कारण। और ये जो सारी और अभी अगर हम बात करें तो 60 से ज्यादा लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है तीन गवर्नमेंट और बीएमसी अस्पतालों में यहाँ मुंबई के शहर में। तो आप देख रहे हैं कि ये कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके थे उनको जो है एक दो हफ्ते के बाद ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी लगी और उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए गए। बट वजह ये बता रही है, एक तो सबसे पहले डायग्नोसिस इन पेशेंट्स का लेट हुआ कि लोगों को काफी जल्दी समझ में नहीं आ पाता कि ये ब्लैक फंगस हो रहा है या कोई और सिम्टम्स है, इसके लिए वो डॉक्टर्स के पास बहुत लेट पहुंचते हैं। और दूसरी बात ये, इसका एक एंटी फंगल ड्रग है, एक इंजेक्शन आता है, एक दवाई आती है जो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कल महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि इस ये इसको बचाने के लिए, ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए ये एक इंजेक्शन होता है, एक एंटीवायरल ड्रग होता है जो इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट बीएमसी ने खुद अपने माध्यम से टेंडर भी लास्ट वीक फ्लोट किए हैं। एफडीए जो है वो भी सेंटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको ये एटलीस्ट जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो प्रोक्योरमेंट हो ताकि ये सारे जो पेशेंट्स है उनकी ट्रीटमेंट बहुत क्लियरली कर सके। तो अभी मुंबई की अगर बात करें तो 19 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले तीन महीनों में ब्लैक फंगस की वजह से और अभी भी 60 से ज्यादा पेशेंट्स जो है उनकी ट्रीटमेंट चल रही है जेजे हॉस्पिटल में, केईएम हॉस्पिटल में और साइन हॉस्पिटल में और नायर हॉस्पिटल में भी चल रही है। और कुछ पेशेंट्स तो बाहर से भी आ रहे हैं गौरी, जो मुंबई के बाहर रहते हैं वो भी ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो अभी शॉर्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग फैक्टर है और चैलेंजिंग भी है क्योंकि पहले मुंबई को एनुअली सिर्फ 10 केसेस आते थे और अभी जो है दिन में उनको 3-4 ऐसे ब्लैक फंगस के नए केसेस आ रहे हैं और हर एक केस में ये इंजेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टेज जो है वो एवरी लेवल पे गवर्नमेंट कह रही है कि उन लोग को जल्द से जल्द ये चीज चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया दिशा इस पूरी जानकारी के लिए।